यहाँ से पहुँच गए हैं भाई हम अलची गांव में। ये है अलची का स्कूल। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं भाई अलची में, अलची कैफे, और उधर है पेड पार्किंग जो कि है 20 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे है अलची मोनेस्ट्री। का टाइम है 8 AM to 6 PM। लंच ब्रेक होता है 1 से 2 के बीच में। इधर पूरा होटल भी बना रखा है, काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट। मोनेस्ट्री की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे यार ये काफ़ी अच्छी पूरी छोटी सी मार्केट बना रखी है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। काफ़ी बढ़िया सी मार्केट लग रही है मेरे को। है जुले जी जुले। खाने पीने की चीज़ें भी हैं, मार्केट भी है, और ये है वे फॉर सर्कमबुलेशन, परिक्रमा का रास्ता क्लॉकवाइज। तो मोनेस्ट्री की परिक्रमा करने लगे हैं यार। और ये यहाँ के पहाड़ हैं, ये यहाँ के खेत हैं, और ये यहाँ की मोनेस्ट्री। सब पे अलग अलग नाम लिखा हुआ है, जिसने आई गेस उसके नाम का वीर है। यहीं से यार ये रिवर आती हुई, काफ़ी सुंदर। और मोनेस्ट्री के टाइमिंग्स हैं ये, मोनेस्ट्री की एंट्री फीस है, एंड कैमरा एंड मोबाइल यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉकर्स मिल जाते हैं, उसकी चाबी आपके पास रहेगी, मोबाइल कैमरा और जो भी बैग्स हैं वो सारे इसमें जाएंगे। तो मैं जाता हूँ अंदर, देखता हूँ क्या क्या है, इसके बाद आपको बताता हूँ। तो यार देख लिया हमने अंदर से मोनेस्ट्री, और काफ़ी अच्छी है अंदर से। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और फ़ोन अलाउड नहीं है तो कुछ खींच नहीं सकते। बाकी ये बताऊंगा यार, ये लद्दाख की सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। बाकी इसके अलावा कुछ पोस्ट कार्ड्स लिए मैंने, तो उसकी पिक्चर क्लिक करके मैं आपको कुछ स्टोरी नरेट कर दूंगा साथ साथ। तो अलची मोनेस्ट्री लद्दाख की सबसे पुराने मंदिरों में से या फिर मोनेस्ट्री में से एक मानी जाती है यार। और ये 1100 ईस्वी में लोत्सवा रिंचिन जेंगपो द्वारा निर्मित की गई थी। इसमें लगभग 5 मंदिर हैं, या फिर उनको लखांग भी कहते हैं, जिनका नाम वेरोनिका, तमुसुक, लोत्सवा, जामयांग और लखांग सोमा के नाम से भी बोला जाता है। और ऐसा बताया गया है यार, जो ये महान रिंचिन जेंगपो जी थे, ये कश्मीर में ट्रेन होके आए थे, और ये अपने साथ 32 कश्मीरी कारीगरों को भी लेके आए थे, जिन्होंने इन मठों की कारीगरी भी करी थी। इनके भित्ति चित्र या फिर जो अंदर स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, स्तूपा हैं, और लकड़ी की निकासी से इनको सजाया गया था। और ऐसा भी बोला गया है कि जो पश्चिमी हिमालय में रिंचिन जेंगपो जी हैं, उनसे संबंधित 108 लखांगवा फिर मंदिरों में से अलची, मंगी और सुमदा लद्दाख में ये 3 मंदिर है जहाँ पर इनकी ये पाई जाती है नकाशी। तो ये सब था यार अलची को। बाय बाय। और हवा यार एडमिट चल रही है बहुत गंदी, डाउन हिल में भी चलने दे रही है। तो इधर से हम पहुँचते हैं भाई अलची पेट्रोग्लिफ्स में, इसको हम रॉक्स के ऊपर पत्थरों की निकासी भी कहते हैं। तो ऐसे कई सारी अलग अलग सीन्स दिखाए गए हैं, जिसमें हंटिंग, स्नो लेपर्ड, आईबैक्स, और ये सब डिपिक्ट करती हैं ब्रॉन्ज एज की नकाशियों को। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये तीर कमान लेके हंटिंग का दिखाया गया है, ऐसे ही उधर स्टूपास बनाए गए हैं, और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्टूपास, मतलब कुछ ना कुछ आपको दिखाया गया है कि आप उस समय को रिलेट कर पाएँ। प्लस साइड में इंदस नदी बहती हुई, तो यहाँ से पता चल रहा है यार कितनी पुरानी हिस्ट्री है हमारी। आगे देखो स्टूपास बनाए गए हैं। तो चलते हैं यहाँ से यार। तो ये है भाई इंडस रिवर। वो देखो आर्टिलरी कितनी बढ़िया जगह रखी है, बिल्कुल बीचों बीच भाई। खलसी यहाँ से आ जाता है 8 किलोमीटर। पहुंच गए हैं और खल से मिली हमने ब्रेक, और खाते हैं यहाँ पे समोसे। खा लिए हैं समोसे, हमने खाए हैं 3 समोसे। फिर से देख लो, राजू पंजाबी ढाबा के नाम से शॉप है। टाइम लगभग हो गया है भाई 3:30। अब लामरी यूरू यहाँ से मैप में दिखा रहा है 19 किलोमीटर्स, और जो पीछे बोर्ड था
बोर्ड पे लिखा हुआ था 30 किलोमीटर्स, तो अब कौन सा है कौन सा नहीं वो पता नहीं। ये सारी यहाँ पे खालसे की शॉप है। खालसे से 1.5 किलोमीटर आगे जाके ना यहाँ से डाइवर्ट होते हैं दो रास्ते, एक होता है लेफ्ट में और एक होता है राइट में। जो लेफ्ट वाला है वो कारगिल की तरफ जाएगा मुलबेक और अपना लामायुरू, राइट साइड वाला जाएगा जो है वो बटालिक दाह और आगे की तरफ। तो यहाँ से हम ले रहे हैं लेफ्ट और उसके बाद चलते हैं लामायुरू की तरफ। लामायुरू यहाँ से दिखा रहा है 28 किलोमीटर। लामायुरू यहाँ से रहता है गूगल मैप के अकॉर्डिंग 11 किलोमीटर, बाकी एक्चुअल कितना है वो नहीं पता। यहाँ की सीनरी देखो, स्केप देखो आप। और नीला होता ना भी मुझे ग्रे लग रहा है, अब पता नहीं ग्रे है या चश्मा पहन के लग रहा है। तो जो पदम का रास्ता निकलता है ये लामायुरू से पहले, तो वो है इधर से, ये आपको दिख रहा है। वी आर एट थर्ड एक्सिस, ले पीछे की साइड है, पदम इधर की साइड है और कारगिल इस साइड है। और चलते हैं यहाँ से, पानी का ब्रेक लिया था। इधर है भाई 5-6 कैंची के कट, मतलब हेयरपिन कट्स। तो धीरे धीरे क्रॉस करते हैं। बहुत अच्छी लिखी हुई है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट ऑन रोड। और आगे लिखा हुआ है लामायुरू विलेज 4 किलोमीटर अहेड। और आगे की चढ़ाई जो ट्रक जा रहे हैं वो है, और नीचे मैंने वो चढ़ाई छोड़ दी है जो आपको अगर दिख रही हो तो, रोड नीचे से यहाँ से दिख जाएगी। वो कैंची हमने कर दी है, पीछे है मेरे मूनलैंड लामायुरू माउंटेन्स, देख सकते हो आप। ऐसे हमने स्पीति में भी देखे थे, यहाँ पे भी हैं, ये ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हैं। बाकी अभी मेन विलेज आया नहीं है, आने वाला है। सामने दिख रहा है विलेज, ये है लामायुरू और ऊपर है उनकी मोनेस्ट्री। ये है पूरा विलेज भाई। फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं लामायुरू और हम रुके हैं सिंगे होम स्टे में। ये है यहाँ पे होम स्टे, अभी थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, दुलारी को हमने वहाँ पे खड़ा किया है। ये है सारा, ये है यहाँ पे होम स्टे और भाई ये है पूरा होम स्टे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करके जाना, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद।